जाते समय रोड मिलेगी वापस। समझ लो एक दो इंच इधर आ गया बल्ले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सत्रह सालों मेरा इंट्रो चल रहा है, इनको छोड़ो, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, और क्या टाइमिंग है, जैसी घुसा हूँ गाड़ी में स्टार्ट करा है और पता लगा बारिश शुरू हो गई है। अब हमारा फिलहाल प्लान तो बना उत्तराखंड जाने का, बट उत्तराखंड में कहाँ जाना ये फाइनल नहीं है अभी तक। अभी टाइम हो रहा है 12:48, तो 1 बजने वाला है। और सो फ्यूल हमने टॉप अप कराया है 3000 का राउंड फिगर, ये ऑन एवरेज वहाँ तो पहुँच जाएंगे। बाकी गाड़ी का ट्रिप मीटर कर देता हूँ जीरो, जाना कहाँ अभी तो ये भी नहीं पता। फाइनली आफ्टर 192 किलोमीटर बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। हल्द्वानी इज अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, और इसके बाद हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर। अब फाइनल हुआ है क्योंकि एक्चुअली नैनीताल में बर्फ नहीं है, तो हम ऊपर जाएंगे मुक्तेश्वर के लिए। तो यहाँ से 70-80 किलोमीटर अप्रॉक्स सारे 2-2.5 घंटे और लगेंगे कवर कराने के लिए। भाई सुखी नीचे ही ना पहुंच जाए, आते समय ये रोड मिलेगी वापस। हाँ इसी रोड से आना है। कहाँ ही मिल रही है, बर्फ की तलाश में निकले हैं, फ्रिज में से ही निकालना पड़ेगा। तो अपना रास्ता दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट 26 किलोमीटर में, समझ रहे होगे रोड्स ऐसी हैं, गाड़ी अपनी सेकंड गियर पे ही चल रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, इससे अच्छी सुबह क्या होगी यार, मतलब हल्की हल्की अभी रोशनी हुई है, धूप भी नहीं आई एंड इतना प्लेजेंट मौसम है, हल्की हल्की ठंड है, मैं टोपी तो पहन ली, ठंड से मजाक नहीं भैया, ठंड लगती है। हमने भीमताल क्रॉस कर लिया और हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर। एक्चुअली हमारे साथ एक बंदा है विकास, उसको चुरमची थी बर्फ़ देखनी है, मैं चलते को बर्फ़ ही दिखाते हैं। तो लोकल बंदों ने बताया कि नियर बाय मुक्तेश्वर में ही आपको आइस मिलेगी, नैनीताल वैनीताल में नहीं है। ये खड़ी अपनी गाड़ी क्या जबरदस्त, मतलब आपको क्रैश फोन में ऐसा फीचर होता कि आपको फील करा सको तो आपको मजा आ जाता सीरियसली, मतलब इतना हल्का हल्का ठंडा ठंडा सा मौसम, अच्छा सनराइज हो ही रहा है, विजिबिलिटी भी अब ठीक ठाक है एंड हम कल दिल्ली से निकले थे अप्रॉक्स 11 बजे 7:05 या वीवर। हाँ हम ज़्यादा नहीं 20-25 फीट पर हाइट पे होंगे इसकी, तो ठंड इतनी है पानी के पास जाने का मन नहीं कर रहा, पानी देखते ही ऐसा हो रहा है कि ओहो पहाड़ी के अपने अलग ही रंग है, वो नई सूरज के साथ कुछ नया ही दिखाती है। यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो है डिस्टेंस अप्रॉक्स 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप। घुसते ही सामने ठेका है, देखो विकास भाई हमारा रब शीशे पे स्पॉट देख रहे हो जो हल्के हल्के, ये स्नोफॉल के है। मौसम एकदम बदलते हुए, इस टाइम ठंड होगी बहुत ज़्यादा, हाथ हो गए सुन कि बाहर हाथ निकालते हुए दिक्कत हो रही है, सारे एक समय आ गए। ये मुक्तेश्वर की मार्केट छोटी सी मार्केट है लेकिन आपको सारा कोटा मिल ही जाता है, यहीं से सामान ले रहे हैं, काफी कुछ ले लिया गंद वाला। तो स्नोफॉल मिलने शुरू हो चुकी है, अभी हल्की हल्की पड़ रही है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी साथ में है, बट हाँ स्नो आ रही है अच्छी इस टाइम पे, लेट्स सी कि आगे और कितनी पड़ती है, मज़ा आ जाएगा। मौसम बहुत ज़रा ठंडा हो गया है, बादलों ने पूरा घेर लिया हमें अच्छे से,
वो देखो उधर 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 पड़ा नीचे रखे वो देखो वो देखो सामने व्यू पूरा बादलों ने घेर लिया स्नो स्टार्ट तो हो गई है अब हमारा बिल्कुल टॉप पे है कि होपफुली हमारे होटल में ज़्यादा स्नो होगी लेकिन हमारा बॉनफायर का प्लान शायद ड्रॉप हो जाए क्योंकि अगर स्नोफॉल ज़्यादा हुई तो बॉनफायर नहीं हो पाएगी फर्स्ट स्नोफॉल अब हम मुक्तेश्वर आए हुए हैं क्या जबरदस्त व्यू हो रहा है इस टाइम अभी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है ये देखो गाड़ी पे देखोगे शीशे वीशे पे पड़ रही है ऊपर से पता नहीं आपको इतनी दिख रही है नहीं दिख रही ये देखो अभी मेरे फ़ोन पे आके भी मैं हाथ पे रखता हूँ देखो मेरे जैकेट पे ये देखो ओए होए 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 मज़ा आ गया मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया क्या बढ़िया हो रही है मुक्तेश्वर का लास्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट एक्चुअली नहीं है एक ये रोड जा रही है उसकी डिवाइडिंग जो मंदिर की तरफ जा रही है तो हमारा जो होटल बुक है वो बिल्कुल डेड एंड पे है तो अभी आपको बता दूँ कि गद्दी कुत्ता है यहाँ का तो हल्की हल्की स्नोफॉल फिलहाल अभी भी हो रही है लेकिन अभी मौसम फिलहाल साफ हो गया इससे पहले बिल्कुल एकदम जेट ब्लैक मौसम हो गया था लेकिन स्नो अभी भी हो रही है देखो अगर आपको हल्के हल्के फ्लेम्स आते हुए नज़र आ रहे हो कैमरे में तो आ रहे हैं हल्के हल्के दिख रहे हैं तो ये अब यहाँ पे आ गया मुक्तेश्वर का यहाँ पे मंदिर है तो ये मंदिर है यहाँ आप गाड़ी लगाओ और ऊपर से प्रसाद व्रसाद की दुकान भी बनी हुई है जाओ और हमें तो यहाँ से सीधा जाना है अभी तो हमारा इस रोड का जो एंड है वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी तो आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ आगे दिखाता हूँ रास्ता कैसा है ये रोड का बिल्कुल डेड एंड है तो अब यहाँ पे आके ये रास्ता बंद हो जाता है रोड का लेकिन हमारा रास्ता भी यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बुक कर रखे हैं फॉरेस्ट में रिजॉर्ट तो ये आगे जैसे आप घुसोगे आपको पेड़ की मार्किंग दिखने लग जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा ड्राइव करना केयरफुली कि रास्ता थोड़ा ऐसी है क्या थोड़ा सा कंजस्टेड सा रास्ता है तो ध्यान रखना आराम से जगह है आराम से बड़ी गाड़ी भी निकल जाएगी बट बी केयरफुल समझ लो एक दो इंच इधर टायर फंस जाएगा तो बेटर बी केयरफुल गाड़ी यहाँ पार्क हो गई है और स्नोफॉल तो और ज़्यादा बढ़िया हो रहा है मज़ा आ गया लिटरली मुक्तेश्वर में मज़ा आ गया स्नोफॉल आफ्टर लॉन्ग टाइम पहली स्नो 2022 की हमारी और प्रेजा की पहली स्नोफॉल होटल सस्ता बढ़िया टिकाऊ जो व्यूज़ हैं और जो स्पेशल लोकेशन है वो अल्टीमेट है इतनी स्नोफॉल के बीच में तो रात को हम यहीं पे बॉनफायर होगा ये स्पॉट बना रखा है लेफ्ट साइड पे बॉनफायर का लिए देखो कितनी स्नो हो रही है और यहाँ पे अपने पिक शिक चलेंगे तो खाना पीना बढ़िया तो बोल दिया चिकन चाहिए चिकन ला के दे दिया और ऐसे देखो आपको ऐसे पता लगेगा कितनी उसमें हो रही है देखो सो ओवरऑल मज़ा आ गया होटल में घुस के आपको दिखाऊंगा अभी बाद में तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे बंद बाकी रात की और स्नोफॉल और सारी चीज़ अपडेट आपको बाद में दूंगा थैंक यू चीयर्स बाय बाय